मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो जैसे कल मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं पत्ती कौतिक के लिए उत्तराखंड में जा रहा हूँ, तो ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। और आज भी हम उसी गांव में, जितोली गांव में। और कल ये लोग ये पत्ती का पेड़, जो कि ये कीकर का पेड़ होता है, इसको काट के लाए थे। तो आज इन्होंने ना एक पेड़ को पूरा खीरे वीरे और घास वास लगा के, अब ना इसको ये तकरीबन ना 50 फीट का पेड़ है और इसको गाड़ा जाएगा और इस पर बंदा ऊपर तक चढ़ेगा। और इसमें से जो ये फल आप देख रहे हो ना, ये खीरे वगैरह लगे हुए, ये खीरे तोड़े जाएंगे और फेंक, मतलब तोड़ के नीचे गिराए जाते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है। बाकी इस पेड़ को ना संभालने के लिए तकरीबन गांव के ना 50 से 100 लोग लगे हुए हैं, जो कि पेड़ को संभाल रहे हैं। काफ़ी भारी पेड़ है। कल भी हम गए थे जहाँ पे पेड़ कटा था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, तो उस टाइम भी काफ़ी डिफिकल्टीज हुई थी। तो ये जो जो ये पार्ट देख रहे हो ना ऊपर, जो ये वाइट कपड़े से ढका हुआ है, तो ये ना इस पार्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है कि ये टूटना नहीं चाहिए। यही मेन पार्ट होता है। अगर ये टूट गया तो फिर ये पूरा जो पेड़ है ना, ये ख़राब हो जाता है। तो फिर उस केस में इनको दूसरा पेड़ काट के लाना होता है। तो इसलिए इसको ये ना काफ़ी बचा के रखते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ से हटता हूँ, क्योंकि ना ये पेड़ खड़ा होगा तो घर को भी आ सकता है। तो मैं अभी दूसरे एंगल पे चलता हूँ, वहाँ से आपको दिखाता हूँ। वैसे यार पत्ती कौतिक का मेला हमारे गांव के आसपास के 5 गांव में लगा हुआ है, और ये जिस गांव में आज हम आए हुए हैं ना, ये मेरी बुआ का गांव है, और यहां पे ये मेला 32 साल बाद लग रहा है। 32 साल पहले ये मेला यहां पे लगा था। वैसे यहां पे बैठ के ना जो फीलिंग आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बस ऐसा लग रहा है ना कि अगर मैं यहाँ ना आया होता तो ये सब मिस कर दिया होता, और ये मैं कभी शायद दोबारा देख भी नहीं पाता। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन होने वाला है। मैं कुछ ऐसा देखने वाला ना जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे बैठ कर मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होने वाला ना मज़ा आने वाला। उत्तराखंड में ना लगभग सभी लोगों की जो कुल देवी होती है वो नंदा देवी होती है, और नंदा देवी नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये मंदिर भी नंदा देवी का मंदिर है। और सारे लोग ना यहाँ पे इकट्ठे होकर नंदा देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे आज्ञा ले रहे हैं मेले को शुरू करने का, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। कल मैंने आपको दिखाया था कि कहते हैं लोग गाँव के सारे लोग मिलकर जंगल गए, तो जंगल से ये पत्ती जो चीड़ का एक पेड़ होता है उसको काट के लाए थे, और उसकी सामने चीला गया था। और आज इस पेड़ को ना नंदा देवी का मंदिर है, वहाँ पे उनके आगर में गाड़ा गया है, और उसको काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद इस पेड़ को खड़ा किया गया। और कम से कम 100-150 लोग लगे थे जो इस पेड़ को संभाल रहे थे। अच्छा, ये बैकग्राउंड में आप आवाज़ सुन रहे हो, ये ढोल दमो की आवाज़ है। ढोल दमो क्या होता है ना, हमारे उत्तराखंड का वाद्य यंत्र होता है। हमारे यहाँ पे कुछ भी शुभ काम होता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, तो ढोल दमो बजाए जाते हैं। और ढोल दमो जब बजते हैं ना, तो हमारे जो देवी देवता होते हैं वो नाच उठते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, और वो चले जाते हैं हमारे किसी भी अच्छे काम में। इसलिए ढोल दमो का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे इतिहास में। आप नीचे देख रहे हो, लोगों के सर पे कुछ है और उस पे ना एक वाइट कपड़ा रखा हुआ है। ये ना एक्चुअली नंदा देवी के लिए भोग है, उनको चढ़ाने के लिए प्रसाद है। सब लोग गांव के कुछ ना कुछ लेके आते हैं और माता को चढ़ाते हैं। चलो जी, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। अभी क्या है ना, ये गाँव के लड़के, ये लोग उस पे पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से ना इस पे निरमे का पानी फेंका जा रहा है इसको चिकना करने के लिए।
मधुमक्खी होती है ना, कैसे अपने छत्ते पे चिपकती है, वैसे ना सारे लोग इस पर चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली चिपकने की नहीं, इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सबसे पहले ऊपर चढ़ेगा वो जीत जाएगा। ये जो पेड़ पे घास लगी हुई है ना, ये लोग अपने खेतों से तोड़ तोड़ के लाते हैं और इस पेड़ पे लगाते हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है ना कि इसमें काफ़ी मिट्टी है। और जब ये पानी फेंक रहे हैं ना लोग इस बंदे को गिराने के लिए, तो पानी के साथ में मिट्टी भी इसकी आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से इस बंदे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इतना ईजी है ना जितना ये लग रहा है, दाँत देनी पड़ेगी बंदे की। तो इस खेल में पार्टिसिपेट करने के लिए ना अलग अलग गांव से लोग आते हैं, लेकिन इस गांव के जो लोग होते हैं, इस गांव के जो लड़के होते हैं ना, वो इसको पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यही प्रथा है। और वो बस लोग निगरानी रखते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बदतमीजी ना करे, और कोई किसी भी तरह का कोई दुर्घटना ना हो, वो लोगों का काम होता है। बाकी मज़ा तो फुल आ रहा है यार, वो देखते रहो आप। मेरे को ना ये खेल देख के एक बात समझ में आ रही है कि जो पहले चढ़ गया वो चढ़ गया, बाद में ना यार सब एग्जॉस्ट हो चुके हैं और नहीं चढ़ पा रहे, और कोई चढ़ने भी दे रहा क्योंकि काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, और जैसे कोई ऊपर चढ़ता है ना कोई इसकी टांग नीचे से खींच देता है, और या तो उसको लेके नीचे आ जाता है, अगर मैं नहीं चढ़ूंगा तो तुझे भी नहीं चढ़ा दूंगा, ऐसा लोगों की स्ट्रैटेजी लग रही है। Come on!
कांटे को पूरा गद्दा सा बना लिया उसने अपने वहाँ पे बैठने के लिए कि, और वो मुझे लग रहा है काफ़ी देर तक भी रुकने वाला है यहाँ पे, मजे रहेगा यहाँ से बैठ के नीचे लोगों के। लो भाई कीड़ा पकड़ने चक्कर में बंदा नीचे मंदिर की दीवार से नीचे गिर गया। इस चीड़ के पेड़ पे ना 11 अलग अलग तरह की फसल और अलग अलग तरह के ना फ्रूट वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे कि ककड़ी काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे होती है उत्तराखंड में, तो ककड़ी इस पेड़ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं और ये बंदा ना ककड़ियाँ तोड़ तोड़ के लोगों को फेंक रहा है, मतलब लोगों को दे रहा है। इसे बोलते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो लो जी भैया हो गया खेल खत्म। इस बंदे को ना वो बस वाइट कपड़े को छू के आ रहा था और ये मतलब विजेता माना जाता है और उसने छू लिया तो आराम से बैठ के अब खीरे खा रहा है बंदा वहाँ पे। तो अभी जो जितने भी लोग ऊपर चढ़े हुए थे ना अभी नीचे उतर आएंगे एक एक करके। ये गांव के लोगों से रस्सी मांग रहा है क्योंकि जिस तरीके से इसको चढ़ाया था ना इस पेड़ को, उस तरीके से इसको उतारना भी है और उतारने के लिए रस्सियों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए अब ये बंदा इस पे रस्सियां बांध देगा और ये फाइनल विजेता माना जाएगा। लो जी भाई मिल गया गांव वालों का विजेता और उसको कंधों पे उठा लिया सबने।
भाई मेला ख़त्म हो गया, जो बंदा सबसे पहले सबसे ऊपर चढ़ा था ना वही बंदा सबसे लास्ट में सबसे नीचे उतरा, और जितनी मशक्क़त इसको चढ़ाते टाइम में इसको हुई थी उतनी मशक्क़त इसको उतारते वक्त हो रही है। और इसको उतारते वक्त भी ना एक ध्यान रखा जाता है कि जैसे इसको लगाते वक्त या इसको लाते वक्त ना जिसका मेन सिगर होता है जिस पर वाइट कपड़ा बंधा है वो टूटना नहीं चाहिए, तो उसको निकालते वक्त भी ना वो वाला पार्ट टूटना नहीं चाहिए, अगर वो टूट गया तो पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए इतनी सावधानी बरती जा रही है, इतने लोग लग गए हुए हैं इसको निकालने में ताकि ये टूटे ना। तो इस आज के ब्लॉग को ना यहीं क्लोज करते हैं, मेरे को लगता है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा क्योंकि मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं किसी कौथिक मेले में आया था और मेरे को इतना मज़ा आया ना कि लास्ट में जो सीन था ना जब सब लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को टांग भी खींचे थे, मतलब अलग अलग गांव के लोग आते हैं तो होता क्या है कि सब लोग टीम बना के एक दूसरे अपने बंदे को ऊपर करते हैं और दूसरी तरफ वाले उसको नीचे खींचते हैं। और अभी यहाँ पे क्या कि जिस गांव में कौथिक होता है ना उस गांव के लोग नहीं चढ़ते हैं, दूसरे जो गांव के लोग होते हैं ना वो चढ़ते हैं कौथिक में, और जो बंदा ऊपर चढ़ा था ना जो जहाँ पे सफ़ेद कपड़ा लगा हुआ है उस सफ़ेद कपड़े तक उसको चढ़ना था, सफ़ेद कपड़े के ऊपर नहीं चढ़ना, सफ़ेद कपड़े पर वो चढ़ के उसको फिर दो पेड़ पे ना ऐसी रस्सियाँ बांधी थी दोनों तरफ, उसने रस्सियाँ बांधी ताकि बाद में इस पेड़ को आराम से दोबारा से उतारा जा सके, क्योंकि इसको फिर नीचे उतार लिया जाएगा क्योंकि ऐसे खड़ा नहीं रखा जा सकता इसको। और जैसे क्या होता है कि सेलिब्रेशन जब स्टार्ट होता है, जब मेला स्टार्ट होता है तो भी उसकी जो स्टार्टिंग होती है नाच गाने के बाद स्टार्ट होती है, नाच गा के लोग स्टार्ट करते हैं, और जब सेरेमनी क्लोज मतलब जब ये हो गया पत्ती पर चढ़ाई हो गई तो उसके बाद फिर से दोबारा से सेलिब्रेशन हो रहा है, लोग नीचे नाच रहे हैं, ढोल धमा बज रहा है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही हो। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया ना तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी वीडियोज़ हम आपको आपके चैनल हमारे चैनल पर लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के बारे में अलग अलग जगह पर अलग अलग गाँव में क्या क्या कहाँ पर क्या क्या होता है आपको सब दिखाएंगे। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और ब्लॉग में किसी और लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।